जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मिजर उम्र का चला के भारतीय सेना। दोस्तों, देश के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर ये खेल भावना क्या हो गई यार? खेल भावना नाम की चीज़ रह नहीं गई है। खेल को भी राजनीति जोड़ कर ना उसमें भी मतलब हिंदू मुस्लिम के हथकंडे लेके लोग आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती दोस्तों कि भारत या पाकिस्तान का अगर कोई मैच होता है ना, चाहे वो हॉकी का मैच हो चाहे क्रिकेट, तो मैं जानता नहीं कौन सा क्रिकेट क्या होता है, क्या होता है मेरी नॉलेज में नहीं है क्रिकेट में कितने खड़े क्या है, क्योंकि क्रिकेट में मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं दिया ना मैं कोई भी मतलब देखा नहीं है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी प्लस जो भी फुटबॉल जैसे गेम है उनको मैंने तवज्जो ज़्यादा दिया, खेला उनको ज़्यादा। ठीक है, और हर खिलाड़ी का सम्मान करता हूँ जो भी गेम खेल रहा, लेकिन फिलहाल क्रिकेट के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि क्रिकेट की ना मेरे को बॉल का पता है ना ही मेरे टीवी में कहीं चैनल मिलेगा क्रिकेट का। ठीक है, लेकिन ये जो खेल भावना के नाम पर ना क्या बवाल पूरे देश में ना खेला हो रहा, जो बवाल मचा हुआ ना, कसम से कह रहा हूँ, मतलब खेल को जो है राजनीतिक तौर पर लिया जाता है और खिलाड़ी को इस तरीके से बकरा बना दिया जाता है ना उसको, मतलब कि उस बंदे का वो कैरियर नहीं देखा जाता कि उसने पहले कितना अच्छा खेला, किस तरीके से टीम को जीत दिया, किस तरह से क्या किया, किस तरह से क्या किया। और मोहम्मद शमी को जिस तरीके से बलि का बकरा बना के पूरे देश के अंदर उसकी मतलब उसके पीछे पड़ गए ना लोग, हैं, बहुत शर्मसार घटना है। ठीक है, गेम के अंदर टोटल 11 खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे कोई भी खिलाड़ी खेलता हो 11 खिलाड़ी खेलते हैं। 11 खिलाड़ी के अंदर हर खिलाड़ी का अपना अपना मुट्ठी होती है, पांचों उंगलियों में एक उंगली कुछ नहीं कर सकती दोस्तों, एक उंगली से तुम कुछ करना, खाना खा सकते हो, कुछ कर सकते हो, समझ गए नहीं समझ गए। जब पाँचों उंगलियाँ मिलकर मुट्ठी बनेगी उसके बाद ही मतलब कोई काम को हम कम्प्लीट कर पाते हैं। उसी तरह से स्पोर्ट्स है, ठीक है, मोहम्मद शमी ने अगर उसमें रन दे दिया, कुछ भी कर दिया, उसके रन चले गए और पाकिस्तान सामने खड़ा है, तो क्या पाकिस्तान के बल्लेबाज क्या वहाँ पे क्या सोखे आ रहे, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी होगी पाकिस्तान वालों ने, है मतलब पाकिस्तान से जीतना ही जीतना है करके क्या खेल भावना से खेलो यार। ठीक है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, समझ के हार को भी जीत के तौर पर स्वीकार करना, वही सबसे बड़ी स्पोर्ट स्पिरिट होती है, वही सबसे बड़ा फैन होता है गेम का जो स्पोर्ट स्पिरिट से उस हार को स्वीकार करता है, उन खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करता है जो लोग जीते हैं यार, और जो हार गए हैं, जो हारे उनका और तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, लड़े तो हैं, जीतता तो एक ही है। ठीक है, और ये बहुत गलत है, मैं शमी का, मोहम्मद शमी जो भी बॉलर है जिसको बहुत ज़्यादा ट्रॉल किया गया, जिसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई, बहुत ज़्यादा ये किया गया कि इसने इतने ज़्यादा रन दिया, अगर ये रन नहीं देता तो भारत मैच जीत जाता, अगर बाई देवे मैच जीत भी जाता, ठीक है, जीत जाता तो क्या यार, आप लोग बधाई देते, ठीक है, और खुशी तुम्हारी और दुगनी हो जाती। अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, पाकिस्तान की जगह दूसरा दिया, मतलब पाकिस्तान से जीतना ही जीतना है यार, बस हो गया है यार। दोस्तों, मैं एक भी कहता हूँ कि कभी भी ना किसी भी गेम को ना धर्मों के बीच में लाके, धर्म की राजनीति के बीच में गेम को कभी भी नहीं घुसड़ना है और किसी को उसका बकरा नहीं बनाना है। अगर मोहम्मद शमी की जगह कोई प्लेयर, दूसरा प्लेयर होता, क्या इस तरीके से बकवास हुई होती, है मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी है, ठीक है, बाहर दूसरी तरह से पाकिस्तान की टीम है, बस हो गया, खेला हो गया, उसी में लोगों को मौका मिल गया। और जो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं ना, जो धर्मों के नाम पे बांटते हैं और इस तरीके से अपने को बहुत बड़ा देशभक्त समझने की और बताने की कोशिश करते हैं ना, वो कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ भड़काव दंगा फैलाने वाले ये लोग होते हैं जो देश को ना, देश के अंदर अंदर जो शांति हो रही है, जो शांति काल से काम सुचारू रूप से चल रहा ना, उसको बिगाड़ने के का मकसद इन लोगों का होता है। ठीक है, ठीक है, सोशल मीडिया बकवास करना अलग चीज़ है, ग्राउंड के अंदर खेलना वो अलग चीज़ है, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, अगर उसने रन दिया है तो कभी विकेट भी लेंगे वो इंसान ने, कभी देश टीम को जिताया भी, देश के मान सब तिरंगा अपनी छाती पर अपने सीने पर लगा के अगर वो बंदा चल रहा है तो उसने पूरी कोशिश करी होगी मैं अच्छी गेम बॉल फेंकूँ, हो सका कि बॉल उसकी सही नहीं पड़ी, बल्लेबाज अच्छे मिल गए और बॉलर बल्ले का मिलन हुआ और रन चले गए, कोई बात नहीं, क्या हो गया। मोहम्मद शमी जी, आप जो भी हो, आपकी बॉलिंग जैसी भी थी कैसी थी मुझे नहीं पता, आप खिलाड़ी के तौर पर आपने अपना 100% ही दिया होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपने तिरंगा लगा रहा देश की आर्मान शान के लिए, आप खेलो और आपने काफ़ी मैच खेले, तो मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया और दिल से सम्मान करता हूँ। और स्पोर्ट्समैन स्पीड होने के नाते मैं आपके द्वारा रन दियो को कोई बड़ा अफसोस जाहिर नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता मैं अच्छा खेलूँ, वहाँ से बल्लेबाज खेल रहे वो भी चाहते हैं अच्छा खेलूँ, यहाँ से बॉलर कैप्टन कैप्टन चाह रहा इंडिया का मेरा बॉलर अच्छा बॉल दे, लेकिन दोस्तों ऐसा हर समय नहीं होता है। ठीक है, युवराज ने भी तो 6 बॉलों में 6 छक्के मारे, क्या उस बॉलर ने सोचा था कि मैं मतलब कि 6 बॉलों में 6 छक्के पड़ जाएंगे, हैं,
उसने अपने देश से पूरी कोशिश की हुई है, उसकी थूत हो जाती, फिर उसके बाद भी तो प्ले ग्राउंड में आया। ठीक है, ये गलत है। इस चीज़ का कभी भी जो है ना खेल भावना के तौर पर किसी खिलाड़ी को बलि का बकरा नहीं बनाना है, और पूरे खिलाड़ी को तेज सम्मान करना और खेल भावना के तौर पर गेम को देखना है। ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं कि पाकिस्तान को हरा देंगे तो मुँह तोड़ जवाब दे देंगे, फरारा कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम जलवे वाले हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और हम जो है ना किसी भी चीज़ को जो एक अच्छे पॉजिटिव मैसेज के साथ देश के नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सम्मान देना चाहते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और दूसरा जो है, जिस तरीके से ना खेल भावना तार तार हो रही है, और दूसरा कारण पाकिस्तान के पीटीवी का मोहम्मद निवाज जो वहाँ का क्या कहते हैं पीटीवी का जो मेजबान क्या है उसको क्या नाम कहते हैं नौमान नियाज है। ठीक है, जिस तरीके से उसने जो है एक पाकिस्तान के जो सरकारी टीवी के अधिकृत होने के बावजूद, ठीक है, नौमान नियाज नाम का एक जो मेज़बान था वहाँ का, उसने किस तरीके से शोएब अख्तर की बेइज्जती करी है और उसको बोला कि आप बहुत बदतमीज हैं, आप इस शो को छोड़ के जा सकते हैं, और उसके बाद भी शो बीच में ब्रेक कर दिएगा। उसके बाद दोबारा भी हुआ तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, शोएब अख्तर ने माफ़ी करा। तो यार इतने देश के इतने महान खिलाड़ी की, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब धुरंधर सर विलियम रिचर्ड्स, डेविड गौर जैसे धुरंधर बल्लेबाज वहाँ अपने ज़माने के सुपरस्टार वहाँ आए हुए थे, पाकिस्तान में ही वो प्रोग्राम हो रहा है, और उसी में उसी देश के राष्ट्रीय प्रोग्राम के चैनल के मोहम्मद नियाज जो मेज़बान था उसकी इतनी हिम्मत की वो जो है अपने देश के खिलाड़ी की उन खिलाड़ियों के सामने बेइज्जती कर दी है। तो आप सोच सकते हो कि यार वहाँ का स्तर कितना, पाकिस्तान का स्तर किस तरीके से किस ढर के साथ घिरा हुआ है, और किस तरीके से वहाँ किसी इतने महान शोएब अख्तर, इतना महान बॉलर जो सबके लिए एक्सपेंशन बना, चाहे इंडिया के लिए, देश के पूरे वर्ल्ड के लिए उसकी बॉलिंग की चर्चा हुए और होते हैं। ठीक है, और बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो बंदा चैनल को छोड़ के और इस्तीफा देके चला गया। उसने अपनी खेल भावना का परिचय दिया, लेकिन जिस बदतमीजी से लाइव के अंदर मोहम्मद निवाज ने उसको बोला कि आप अब बहुत बदतमीज हैं, शो छोड़ के जा सकते हैं, तो ये देश के लिए बहुत कलंक की बात है। और एक खिलाड़ी के प्रति एक प्रकार का ऐसा दौर है जिसमें जो है खिलाड़ी को हमेशा सचेत रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सभी प्रशंसकों से जो किसी भी खेल को देखते हैं, शौक से देखते हैं, कैसे भी देखते हैं ना, आप ये मत सोचो कि इससे बॉल छूट गई, या ये मत सोचो कि उसने पेनल्टी मिस कर दी, उससे ये मत सोचो उसने पेनल्टी के लिए पूरी कोशिश की, उसने पेनल्टी स्ट्रोक लेने की पूरी कोशिश की, उसने छक्का मारने की पूरी कोशिश की, उसने विकेट लेने की पूरी कोशिश की। हर खिलाड़ी अपने अपना एफर्ट पूरा डालता है, ठीक है, लेकिन हर किसी मनसूबे पूरे ये हो नहीं सकता। ठीक है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। ठीक है, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, इसी को खेल भावना कहते हैं, इसी टीम स्पिरिट कहते हैं। और जितने भी दर्शक लोग हैं ना, मेहरबानी करके इस तरीके से किसी खिलाड़ी को बलि का बकरा ना बनाएं, और खेल भावना का समर्थन देश हित में और जनहित में है। जय हिंद, वंदे मातरम।